हेलो एवरीवन मैं हूं आतिफा काजी और आज के इन न्यूज़ का हमारा टॉपिक राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो चलिए हम अपनी खबर देख लेते हैं फिर उसके बाद हम उससे जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे तो हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया जिसे स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने एक्सेप्ट कर लिया है अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को चर्चा की जाएगी ये अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया गया वो कांग्रेस के 25 एम ने इस पर साइन किया था अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है या क्यों लाया गया है या इसकी क्या प्रोसेस होती है तो यही सारे हमारे आज के इससे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं तो हम इसीलिए जाने कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सरकार के खिलाफ तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है तो इसी तरह के हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि लेकिन जो ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया उस समय उससे जुड़े जो मुख्य बिंदु थे जब सदन में पेश किया गया विश्वास प्रस्ताव तो पहले उससे जुड़े मुख्य बिंदुओं को देख लेते फिर हम जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है तो ये जैसे मैंने बात की कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और इस पर जो कांग्रेस के 25 विधायकों ने इस पर साइन किए थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा भी इसमें शामिल थे अब ये जो प्रस्ताव पेश हुआ था ये इसके साथ एक ज्ञापन पत्र भी यानी कि एक मेमोरेंडम भी इसके साथ लगाया गया था जिसमें कांग्रेस का कहना था कि ये जो दिल्ली की सीमाओं पर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अब तक 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है जिसमें कम से कम तीस किसान हरियाणा के थे तो इसमें यह भी कहा गया और इसके अलावा जो इसका रीजन है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का वो यही है बताया गया कि सरकार अपना जो विश्वास है वो सदन में खो चुकी है और सरकार की ऐसा मानना है इनका कि कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां हैं वो जनविरोधी हो रही हैं तो इसी वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है अब हरियाणा विधानसभा की बात करें तो हरियाणा विधानसभा नब्बे सदस्यीय है यानी इसमें सीट से सदस्यीय विधानसभा है ये लेकिन वर्तमान में इसमें अठासी सदस्य हैं क्यों क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल लोक दल के एक विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था और इसके अलावा कांग्रेस के एक विधायक प्रदीप चौधरी को राइट्स केस में दोषी ठहराए जाने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया था तो इसमें अठासी सदस्य हैं इसके अलावा जो हरियाणा के हरियाणा लोकहित पार्टी है उसके एकमात्र विधायक थे गोपाल कांडा उन्होंने क्या कि वो अनुपस्थित थे उस समय तो उन्होंने एक पत्र लिखकर जो सरकार है बीजेपी और जे जे पी बीजेपी जे जेपी का गठबंधन वाली सरकार है तो उसको सपोर्ट किया पत्र के जरिए तो बीजेपी जे क्या है असल में जब सरकार बनी थी 2014 में तो बीजेपी ने 40 सीटें और जे जे पी ने जे जे पी यानी जननायक जनता पार्टी इसने अपने दस विधायकों का इसे सपोर्ट दिया था तो गठबंधन की सरकार बनी थी तो जेजेपी किसकी है दुष्यंत चौटाला की पार्टी है और ये राज्य के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला तो कुल मिला इनका जो गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का तो उनके 50 विधायकों सहित उनके पास बहुमत है उनका ये कहना है तो ये इससे जुड़े मुख्य बिंदु हो गए लेकिन अब बात यह है जो अविश्वास प्रस्ताव की हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की इतनी देर से बात कर रहे हैं आखिर वो होता क्या है उसका प्रोसेस क्या होता है तो पहले हम ये समझेंगे कि वो होता क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन और फिर उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली क्या होता है ये आम तौर पर जो विपक्षी पार्टी होती है विपक्षी दल है तो वो लेकर आता है सरकार के खिलाफ लाया जाता है लेकिन इसे सदन का कोई भी सदस्य कोई भी जो मेंबर है वो यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकता है अगर कोई जो सत्ताधारी पार्टी है जो भी सत्ताधारी दल है उसका भी कोई मेंबर अगर सरकार की नीतियों से खुश नहीं है या कोई मतभेद है तो वो भी ला सकता है यानी कि कुल मिला के जो सदन का मेंबर है वो ये प्रस्ताव लेकर आ सकता है तो इसके अलावा फिर उसके बाद क्या करना होता है सत्ता जो सत्ता पक्ष है जो सरकार है उसको अपना बहुमत साबित करना होता है अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो और प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या होता है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ता है अब यहाँ जो एक और बात है कि अविश्वास प्रस्ताव भी होता है और एक विश्वास मत भी होता है तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि विश्वास मत सरकार लेकर आती है और अविश्वास प्रस्ताव को हमने जाना कि आमतौर पर जो विपक्षी दल है वो लेकर आता है या कोई भी मेंबर लेकर आ सकता है तो सरकार अपना बहु, जो सत्ता पक्ष है वो अपना बहुमत साबित करेगा और अगर ये पारित हो जाता है प्रस्ताव तो उसके बाद सरकार गिर जाती है सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव है इससे बचने के लिए जो सरकार है जो सत्ता पक्ष है उस वो क्या कर सकता है जो मुख्यमंत्री है राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री वो क्या कर सकते हैं वोटिंग से पहले अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग से पहले सदन को भंग करने की मांग कर सकते हैं लेकिन ये वोटिंग से पहले ही हो सकता है और पद पर बने रहते हुए ये काम किया जा सकता है सदन को भंग करने की मांग की जा सकती है अच्छा ये बात हुई अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है तो इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव की तो हम बात कर ही रहे इसके अलावा और भी कई तरह के प्रस्ताव होते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम कुछ देख लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव और इसके अलावा जो और प्रस्ताव है उनको हम उनका उनको एनालाइज करेंगे तो हम बात करते हैं एक धन्यवाद प्रस्ताव एक निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के इन तीनों में फर्क क्या है इनका फर्क देखेंगे इनको जानेंगे और इनका फर्क समझेंगे तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है बेसिकली ये राष्ट्रपति का संबोधन होता है किस तरीके का संबोधन होता है असल में जो प्रत्येक जो आम चुनाव होते हैं उसका पहला सत्र और हर वर्ष के पहले सत्र पर राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं और उस संबोधन में पहले के वर्ष और जो सरकार के बाद के वर्षों में सरकार की जो पॉलिसीज है और जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताते हैं उनका एक खाका तैयार करते हैं खाका खींचते हैं तो उसके बाद सदन में एक प्रस्ताव पेश होता है जिस पर सदन में चर्चा होती है और इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है तो क्या होता है कि दोनों सदनों में चर्चा होती है तो दोनों सदनों में इस पर चर्चा की जाती है और फिर इस पर वोटिंग होती है यानी चर्चा हुई और फिर वोटिंग हुई इसके बाद क्या है इसको दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है क्या है दोनों सदनों में इसको पारित होना आवश्यक है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ तो यह समझा जाता है कि सरकार जो है वो बहुमत में नहीं है ऐसा नहीं कि बहुमत में नहीं होती लेकिन यह समझा जाता है कि अगर इस पर इसके पक्ष में वोट नहीं पड़े तो इसका मतलब सरकार बहुमत में नहीं है तो इससे क्या है कि कोई भी सदस्य सदन का कोई भी सदस्य जैसे मैंने बताया कि कोई भी मेंबर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है तो इस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा सकता है या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति सरकार को विश्वास मत लाने के लिए कह है सकते हैं विश्वास मत हमने बताया कि सरकार लेकर आती है या फिर सरकार खुद विश्वास मत प्रस्तुत कर सकती है अपना बहुमत साबित करने के लिए तो इसमें समझ लिया कि राष्ट्रपति का संबोधन होता है और किस तरीके का संबोधन होता है सदन में यह भी हमने जाना और दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और फिर वोटिंग होती है और उसके बाद इसका दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक होता है अब निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये क्या होता है ये किसी भी मंत्री मंत्रिपरिषद की ये मंत्रिपरिषद की जो नीतियां होती हैं मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या उसके कार्यों या उसके कार्यों के अगेंस्ट लाया जाता है मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों और कार्यो के अगेंस्ट लेकर आया जाता है और इसमें स्वीकारने का कारण बताना होता है स्वीकारने का कारण बताना जरूरी कारण बताना जरूरी होता है और तीसरा इसमें क्या है कि ये किसी मंत्री मंत्री समूह या फिर पूरी मंत्रिपरिषद मतलब कि इनमें से किसी के भी खिलाफ या फिर पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है और इसमें क्या है चौथा पॉइंट इसमें कि इसमें मंत्रिपरिषद को क्या नहीं करना होता है इस्तीफा या त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं तो ये इसके पॉइंट्स है कि ये मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के अगेंस्ट लेकर आया जाता है और स्वीकारने का इसमें कारण बताना जरूरी होता है और किसी मंत्री या मंत्री समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है लेकिन इसमें इस्तीफा या जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना जरूरी नहीं होता अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है और इसमें क्या कर किस लिए लाया जाता है ये ये मंत्रिपरिषद की सदन में विश्वास के निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद के सदन में विश्वास के निर्धारण के लिए यह लेकर आया जाता है इसमें स्वीकारने का कारण बताना जरूरी नहीं कारण जरूरी नहीं होता लेकिन इसमें चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता ही है यानी अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इसमें त्यागपत्र देना पड़ता है आप ये देख लीजिए तीनों एक बार चलिए हुई हमारी के और प्रस्तावों में क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव से उसका कंपैरिजन के अविश्वास प्रस्ताव में क्या किया जाता है निंदा प्रस्ताव में क्या और धन्यवाद प्रस्ताव में क्या nóustİya. अब हम इसकी प्रक्रिया को समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है तो अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान में स्पष्ट रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत का उल्लेख नहीं है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत जो लोकसभा की नियमावली एक है उसमें अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत लाने का की व्यवस्था की गई है लेकिन राज्य की बात करें तो सभी राज्यों की जो विधानसभा हैं अलग अलग जो राज्य की विधानसभा हैं उनकी नियमावली के तहत इसकी प्रक्रिया की जाती है यानी की अलग अलग नियमावली है उनके तहत इसकी प्रक्रिया शुरू होती है या पूरी की जाती है और ये इसमें क्या होता है कि जो विधायक यानी राज्य के मामले में बात करें तो विधायक और अगर केंद्र के बारे में बात करें केंद्र सरकार की बात करें तो सांसद विधायक को विधानसभा में और सांसद को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित तौर पर सूचना देनी होती है जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है और जब ये प्रस्ताव मंजूर हो जाए उसके दस दिनों के भीतर इस पर चर्चा की जाती है सदन में और फिर उसके बाद इसका मतदान कराया जाता है इसके ऊपर यानी दस जब यह विश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया उसके दस दिन के अंदर अंदर इस पर चर्चा की जाएगी सदन में और फिर उसके बाद इस पर मतदान कराया जाएगा इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है के अगर राज्य के मामले में बात करें तो विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव है वो राज्य में अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो विधानसभा में ही पेश होगा यानी और विधान परिषद में नहीं हो सकता और अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो लोकसभा में ही इसे पेश किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता इसको अब जो इस पर मतदान कराया जाता है तो मतदान तीन प्रकार से हो सकता है एक तो मत से यानी मौखिक रूप से प्रतिक्रिया ले ली जाती है के कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में लेकिन अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो मत विभाजन यानी डिविजन वोट भी कराया जा सकता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्लिप्स या बैलेट बॉक्स का उपयोग करके मतदान कराया जा सकता है इसके अलावा तीसरी प्रक्रिया है मतपत्र यानी बैलेट वोट ये या, यानी कि गुप्त मतदान कराया जा सकता है तो ये इसकी प्रक्रिया है तीनों तो इनके तहत दो हमने देखा कि इसकी पूरी प्रक्रिया को हमने समझा लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि विधानसभा और लोकसभा वाला विधान परिषद और उसकी जो हम बात कर रहे थे तो ये हमारा प्रश्न है पहले आप प्रश्न नोट कर लीजिए फिर हम अंत में उस पर निष्कर्ष की बात करेंगे और प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव सरकार की स्थिरता का परीक्षण है टिप्पणी कीजिए तो अब निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि अब जैसे ये हरियाणा में मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है तो अब इसमें दस मार्च को इस पर चर्चा होगी तो अगर ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी क्योंकि अगर सरकार को इसमें अपना बहुमत साबित करने के लिए जैसे हमने बात की कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सत्ता पक्ष को अपना बहुमत साबित करना हो पड़ता है साधारण बहुमत के जरिए अपना बहुमत सिद्ध करती है सरकार तो अगर बहुमत साबित हो जाता है तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी तो ये था हमारा आज का टॉपिक मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए जय हिंद